vector space है ना, various examples I discussed yesterday that you know that R over R, in fact Rn over R, this is a vector space. इसे Rn को हम यहाँ पर Vn से नोट करते हैं. Vn is a vector space. So Vn is a vector space. For n is the dimension. When I will discuss dimension, I will tell you how to define. तो Rn इसकी dimension होती है. वैसे आपको पता ही है. So and then one more example, I think I take collection of all real valued functions, set of all real valued functions. And so on. मैंने matrices का ही बताया था, आप set of matrices ले सकते हैं, set of matrices. उसमें आप देखिए क्या क्या operation लगाना है इसमें आपको, ठीक है, 2 by 2 की ले लें आप. तो अंडर एडिशन दे आर कॉम्यूटेटिव, ए प्लस बी दिस इक्वल टू बी प्लस ए. तो कॉम्यूटेटिव तो होते हैं, तो एक ग्रुप भी बनाता है आपका. इसमें जीरो मैट्रिक्स जो है आपकी, अगर 2 by 2 की ले लूंगा दैट इज द जीरो, है ना, एंड ऑल द प्रॉपर्टीज होल्ड्स देयर. अगर आप देखें अल्फा टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, अल्फा इज एनी स्केलर, तो इट विल बी अल्फा ए प्लस अल्फा बी, होती है नहीं. तो दिस इज ऑल्सो वेक्टर. कोई और वेक्टर स्पेस बताइए आप. मैंने कल शायद दिया था कि उसके कोई वेक्टर स्पेस बताइएगा आप. क्या बताया था, कुछ था ऐसा? तो परसों दिया था ना, तो कुछ सोचा कोई वेक्टर स्पेस? Z, I told you Z over R is not vector space, है ना? Z over R, it is not vector space. आपकी ये alpha u वाली property hold नहीं होगी यहाँ पे. Or anything if you want to know, you want to ask about vector space, you can ask. Otherwise, I will move forward. I will take another result. यहाँ तक सब clear है? This basic definition is very important and it should be clear to all of you. अगर definition clear नहीं है किसी भी चीज की, particularly in mathematics, तो आगे concepts you cannot understand clearly. So to understand the concepts, the definitions must be clear. ठीक है? Examples आपके mind में हमेशा होने चाहिए कि which is vector space, which is not forming vector space. These examples are very important. Assalamu alaikum sir. Waalaikum assalam. सर हम वेक्टर एडिशन ही क्यों लेते हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन? बिकॉज़ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर स्पेस नॉट डिफाइंड है ना. हर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में वी हैव डिफरेंट ऑपरेशंस. व्हेन वी आर डिफाइनिंग वेक्टर स्पेस, तो वी आर नॉट डिफाइनिंग हियर यू डॉट वी. यहाँ पे यू डॉट वी इज नॉट अ ऑपरेशन इन अ वेक्टर स्पेस, ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. इसलिए यहाँ पर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का या क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट नहीं. जो ऑपरेशन हमने डिफाइन करे हैं उन्हीं ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. जैसे अगर मैं ग्रुप बनाता हूँ जी का विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं लूंगा मैं, बिकॉज आई हैव ऑपरेशन विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ओनली. ओके, अगर आप फील्ड की बात करेंगे, फील्ड में आप ले सकते हैं दोनों. यहाँ पर आप वेक्टर का प्रोडक्ट भी ले सकते हैं यू डॉट वी फील्ड में. फिर यू हैव टू सी कि वो फील्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है, इफ यू आर टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स. ठीक है, तो इन द डेफिनेशन that dot product is not defined when we defining vector spaces. इसलिए हम यहाँ पे dot product नहीं लेते. Okay. और बताइए, और कुछ doubt हो तो. सर ये R n over R, R over R, Z over R, ये समझ में नहीं आया, थोड़ा एक बार समझा दीजिए. कौन बताएगा? चलिए मैं समझाऊंगा. मैं चाहता हूँ आप में से कोई इसका आंसर दे पहले, देखूं किसे और को समझ में आया हो तो बताइए. कोई कोई बता सकता है कि ओवर आर का क्या मतलब है यहाँ पे? किसी को नहीं समझ में आया इसका मतलब, ये कंसेप्ट को? तो भाई सर इसमें ना स्केलर जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो जेड में से होता है एलिमेंट को, हैं? और सर जेड और आर मतलब जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो एलिमेंट जो है लैम्डा, इट मस्ट बिलोंग टू जेड. हां, जेड और आर, आर से
आर देखिए जब हम वेक्टर स्पेस डिफाइन करते हैं ना, व्हेन वी डिफाइन वेक्टर स्पेस, तो एज आई टोल्ड यू कि वेक्टर स्पेस जब डिफाइन होगा तो वेक्टर स्पेस में हमारे पास दो ऑपरेशन है। एक ऑपरेशन है आपके पास एडिशन, ये तो बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन में तो आपके पास एलिमेंट्स वी के आएंगे, तो अगर आपके पास कोई वी है तो आपने कोई भी टू एलिमेंट्स अगर लिए तो जब मैं इन्हें ऐड करूंगा तो ये भी इसी के अंदर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर प्लस तो वी आपका वेक्टर स्पेस के लिए फर्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन, लेकिन बिकॉज द सेकेंड ऑपरेशन जो आई एम टेकिंग दैट इज अ स्केलर प्रोडक्ट, ये जो ऑपरेशन है डॉट वो यहाँ से नहीं आ रहा है, ये आपके पास दूसरा कोई स्ट्रक्चर है, सपोज सेट ऑफ रियल नंबर्स है ना, अगर मैं रियल की बात कर रहा हूँ, ये डॉट जो आ रहा है वो यहाँ से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आप सेकेंड ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं दैट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। तो वॉट हैपनिंग कि यू आर टेकिंग यू फ्रॉम हेयर, यू मैं यहाँ से लूंगा, अल्फा यहाँ से लूंगा, ठीक है। इन दोनों को आपस में क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब आप अल्फा और यू की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा यू है ना। अब अल्फा यू की गारंटी नहीं है कि अल्फा यू कहाँ आएगा, आर में भी आ सकता है, बी में भी आ सकता है, कहीं बाहर भी निकल सकता है, लेकिन अगर अल्फा यू भी यहीं आ जाए, ठीक है, तो अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज अ एलिमेंट विच इज कमिंग आउटसाइड फ्रॉम बी, इसीलिए से मैं एक्सटर्नल ऑपरेशन कह रहा हूँ। अल्फा इस सेट का एलिमेंट नहीं है, अल्फा आ रहा है आउटसाइड फ्रॉम बी आर से। तो अगर मैंने अल्फा डॉट यू किया और ये अल्फा यू मल्टीप्लाई करके भी इसको वी में ही रख रहा है यू को, इट इज नॉट टेकिंग आउटसाइड फ्रॉम यू, तो अल्फा यू भी इसी वी के अंदर आ रहा है अगर, है ना, तो हम कहेंगे दिस इज अ स्केलर प्रोडक्ट। तो ओवर आर के लिए ये होगा क्योंकि जो आपको ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिफाइन करना है इट शुड बी फ्रॉम सम फील्ड, तो वो फील्ड कौन सी होगी, अगर मैंने रियल फील्ड लिए तो इसलिए मैं ओवर आर ले रहा हूँ। ओके, इज इट क्लियर? तो ये ओवर आर का कंसेप्ट यही होता है, क्योंकि वेक्टर स्पेस के लिए मुझे हमेशा जो अल्फा बीटा चाहिए होंगे वो किसी और सेट से चाहिए होंगे, तो दैट द सेट, द सेट विच इज डिफरेंट फ्रॉम वी, दैट सेट है ना विल कॉल दिस वी ओवर आर। तो मैं R ओवर R को भी वेक्टर स्पेस कह देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था R ओवर R में जब मैं यहाँ से एलिमेंट लूंगा तो ये वेक्टर है और ये स्केलर है, ऐसे R2 ओवर R लिख सकते हैं। तो ओवर R इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि वेक्टर स्पेस में टू ऑपरेशन है, वन इज इंटरनल वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल है आपका वेक्टर एडिशन, इंटरनल का मतलब जो V में ही डिफाइंड है, एक्सटर्नल ऑपरेशन है आपका फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स, यहाँ पर रियल वेक्टर स्पेस के केस में, तो इसलिए मैं ओवर आर लिखता हूँ। अब बताइए किसने पूछा था ये क्वेश्चन? यस सर, मैंने। प्रवीत, प्रवीत यस सर, क्लियर है बात? ये तो ओवर आर क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि हेयर वी आर डिफाइनिंग टू ऑपरेशन, तो जो सेकंड ऑपरेशन है दैट इज योर एक्सटर्नल ऑपरेशन। तो एक्सटर्नल ऑपरेशन के लिए जो सेट है आपका वो सेट ही है या आपका जो ओवर आर लिखते हैं। चलिए और कोई डाउट है या बताइए? और कैन आई मूव, स्टार्ट करें ना कुछ नया? यस सर। चलो तो नेक्स्ट थ्योरम, नाउ वी हैव द फर्स्ट थ्योरम, इनफैक्ट 3.1.7 पेज नंबर 67। यू ऑलरेडी हैव सॉफ्ट कॉपी ऑफ द बुक, तो मैं इसलिए पेज लिख रहा हूँ कि आप उसमें से देख सकते हैं। सो व्हाट इज द थ्योरम, इन एनी वेक्टर स्पेस, वी alpha dot 0 is equal to 0 for every scalar, for all scalar alpha, देखो अब इसमें scalar alpha ऐसे लिख रहे हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, alpha belongs to R, ये भी आपका scalar का ही symbol है। B 0 dot u is equal to 0 for every U belongs to V. C minus 1 dot U
is equal to minus u for every u belongs to v. Okay, so these are the three results. अब आप कहेंगे कि सर ये तो आपने बहुत पहले पढ़ा था कि किसी की जीरो से टू करें तो हमेशा जीरो होगा, क्यों ये आपने पढ़ी है बात? ये यस सर। अब यहां पर ये बात को प्रूफ करना है आपको कि अगर आप अल्फा की इनटू जीरो में देखो, यहाँ पे फर्स्ट केस में जीरो वेक्टर है, यहाँ पर जीरो वेक्टर है, ये यहाँ पर जीरो स्केलर है, तो दे वांट टू से कि इफ यू हैव प्रोडक्ट ऑफ, यू हैव अ स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट में या तो वेक्टर जीरो हो या स्केलर जीरो हो, रिजल्टेंट हमेशा जीरो ही आएगा। और ये जो जीरो होगा ये क्या होगा, ये क्या आएगा, ये भी एक वेक्टर होगा है ना, वेक्टर। स्केलर इंटू वेक्टर इज व्हाट, इट्स अ वेक्टर एक्चुअली, वेक्टर। तो इसे प्रूव करना है। अभी तक तो आपने ये पढ़ते आए थे कि साहब x into y is equal to 0, इधर x 0 और y 0, यहाँ पर हमें प्रूफ करना है वेक्टर स्पेस के अंदर, यानी कि हमें वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टीज पता है, वो हमने जो बताई थी आपको 9-10 प्रॉपर्टीज, यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज एंड यू हैव टू प्रूव इट नाउ कि हाउ इट इज 0, है ना। चलो ये प्रूफ करते हैं इसका, देखिए कितना हाउ ब्यूटिफुल प्रूफ, टोटली अर्थमेटिक आई विल बी यूजिंग हियर। अब अल्फा जीरो प्रूफ करना है मुझे, तो आई विल टेक योर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं अल्फा जीरो और जीरो प्रूफ करेंगे, तो आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये अल्फा जीरो को आप डायरेक्ट नहीं लिख देंगे जीरो, और आप रीजन लिख देंगे बिकॉज इट इज जीरो ऑलवेज, प्रोडक्ट ऑफ टू इज जीरो, तो इधर वन जीरो और टू इज जीरो, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, है ना, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू के आप ले और जीरो आ जाए, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा बाय टेकिंग वेक्टर स्पेस प्रॉपर्टीज। चलो इसे प्रूफ करते हैं, सो आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड अल्फा जीरो, जीरो वेक्टर है। अब देखो अगर ये जीरो वेक्टर है तो हमें मालूम है कि वेक्टर स्पेस से आ रहा है, और वेक्टर स्पेस तो आपका क्या बनाता है, ग्रुप बनाता ही है ना विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, तो इस जीरो को क्या मैं जीरो प्लस जीरो लिख सकता हूँ, वेयर जीरो इज द आइडेंटिटी। अब वो अंडरस्टूड है, जीरो हमेशा वेक्टर ही रहेगा, है ना, कैन आई राइट जीरो इज इक्वल टू जीरो सिंस जीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ वी। वी की आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि क्योंकि वी आपका ग्रुप भी बनाता है तो वो इसकी ग्रुप की आइडेंटिटी है, तो अगर आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी का मतलब ही ये होता है कि कुछ भी एलिमेंट ऐड करो वो वही एलिमेंट होता है, तो मैंने यहाँ जीरो को जीरो प्लस जीरो लिख दिया। कैन आई राइट दिस और नॉट? यस सर, यस सर। अब ये वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस में एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी अल्फा यू प्लस वी इज इक्वल टू ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी, तो दिस आई कैन राइट अल्फा जीरो प्लस अल्फा जीरो बाय दिस बिकॉज इट्स अ वेक्टर स्पेस। अगर ये वेक्टर स्पेस नहीं गिवन होता तो इसके आगे मैं इस स्टेप पे नहीं जा सकता था, क्योंकि ये प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है कि एक्सटर्नल प्रोडक्ट अल्फा यू डॉट अल्फा वी इक्वल टू दिस। चलिए अब आई एम टेकिंग एडिंग माइनस अल्फा जीरो ऑन बोथ साइड्स, ये क्या मतलब, क्योंकि हमें मालूम है कि इस वेक्टर स्पेस बी के अंदर अल्फा जीरो, अगर अल्फा जीरो कोई एलिमेंट अगर बिलोंग्स टू वी है तो माइनस अल्फा जीरो भी बिलोंग करेगा, क्यों क्यों, बिकॉज इट्स अ ग्रुप ग्रुप, तो अगर कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स भी, एडिटिव इनवर्स भी बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब माइनस अल्फा जीरो भी इसके अंदर होगा, तो अगर होगा तो मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। तो जब आप ऐड करेंगे देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो आपने इसका जब इनवर्स ऐड किया तो क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू जीरो, है ना, तो ये आपने इनवर्स लिया इसका,
और जब आपने ऐड किया तो ये चीज तो जीरो आ जाएगी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स। और राइट हैंड साइड में क्या होगा देखते हैं, राइट हैंड साइड में आपने इसे ऐड किया तो मैंने इसे ऐसे लिख लिया अल्फा जीरो है ना, और ये जो ये टर्म बाकी जो टर्म थे वो एज इट इज प्लस अल्फा डॉट जीरो प्लस अल्फा डॉट जीरो। ओके, और दिस नाउ आई कैन राइट बिकॉज दिस होल्ड्स एसोसिएटिविटी। अब ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, तो एसोसिएटिविटी में क्या लिख सकता हूं मैं, ए प्लस बी प्लस सी है ना, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस, बिकॉज इट इज एज आई टोल्ड यू इट्स अ वेक्टर स्पेस इट्स अ ग्रुप दैट विल बी हैविंग एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो दिस आई कैन राइट माइनस अल्फा जीरो है ना प्लस अल्फा जीरो, इसे इधर ले लूं मैं ऐसे, एंड प्लस अल्फा जीरो ऐसे लिख दिया ना, ये ए प्लस बी प्लस सी। अब ये अगेन ये क्या है, ये इसका इनवर्स है पता है, तो ये चीज क्या हो जाएगी जीरो जीरो। तो फर्स्ट ब्रैकेट बिकम्स जीरो जीरो वेक्टर प्लस अल्फा डॉट जीरो। ओके, तो क्या मिला आपको, जीरो इज इक्वल टू अल्फा डॉट जीरो, दैट मींस अब जीरो प्लस अल्फा जीरो फिर अल्फा, ये बाय दिस प्रॉपर्टी, तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। समझ में आया, तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए इतना काम हमें करना पड़ेगा, सारी प्रॉपर्टीज मैंने अप्लाई करी, सारी मतलब जो जो हमें जरूरत पड़ी, यारी प्रोडक्ट वाली स्केलर प्रोडक्ट की, फिर मल्टीपल एडिटिव इनवर्स, देन एसोसिएटिविटी एंड देन दिस। नाउ सिमिलरली बी पार्ट, देखो बी में हमें क्या करना है कि अगर स्केलर जीरो है तो वेक्टर कुछ भी हो आपका प्रोडक्ट जीरो आएगा, अब ये कह रहे हैं यहाँ पे बी, ए और बी में डिफरेंस है। नाउ बी पार्ट में आई वांट टू शो जीरो यू, अब देखो जीरो डॉट यू, अब जीरो तो है मालूम ही है कि फील्ड से आ रहा है, फील्ड जो है आपकी वो ग्रुप भी होती है, तो जीरो आपका वहां पर जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, तो जीरो को आई कैन राइट जीरो प्लस जीरो, यहाँ पर जीरो स्केलर है ध्यान रखिएगा है ना, तो जीरो को मैं जीरो प्लस जीरो लिख सकता हूँ ऑलवेज यू, और बिकॉज दिस इज अ वेक्टर स्पेस तो दिस आई कैन राइट अल्फा यू प्लस बीटा यू, अल्फा प्लस बीटा यू इज इक्वल टू अल्फा यू प्लस बीटा यू। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी थी, तो जीरो प्लस यू जीरो यू प्लस जीरो यू जीरो आ गया। अब क्या करें, वही जो यहाँ किया था एडिंग, यहाँ अल्फा जीरो ऐड किया था, यहाँ ऐड करेंगे माइनस जीरो यू, एडिंग माइनस जीरो यानी कि इसका इनवर्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट। सो व्हेन यू विल बी एडिंग, तो क्योंकि ये इसका इनवर्स है तो यहाँ तो जीरो ही बचेगा है ना, जीरो यू का इनवर्स क्या है माइनस जीरो यू, क्योंकि इट इज अगेन सम वेक्टर, मैं इसे वेक्टर मान रहा हूँ, अभी अगर वेक्टर है तो इसका इनवर्स क्या होगा माइनस जीरो, जब आप इसमें ऐड करेंगे तो ये जीरो हो गया है ना, ये जीरो, दिस इक्वल टू माइनस जीरो यू एंड प्लस, ये दोनों वेक्टर अपने आप के जैसे थे वैसे ही, अगेन एसोसिएटिविटी आई कैन अप्लाई हियर, तो इट विल बिकम माइनस जीरो यू प्लस जीरो यू एंड प्लस जीरो यू, दिस इज अगेन जीरो बिकॉज दे आर द इनवर्स टू ईच अदर, सो दिस इक्वल टू जीरो यू, तो इसका अलग क्या हुआ जीरो डॉट यू इज इक्वल टू जीरो। तो कोई भी अगर आपके पास जीरो होगा तो ये हमेशा जीरो ही आएगा। सी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर आप किसी नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वो किसके इक्वल होगा माइनस यू के। देखिए ये हमें शो करना है माइनस वन इज इक्वल टू माइनस यू, ये हमें शो करना है, चलो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये हुआ कि यू का जो
अब माइनस यू मीन्स क्या हुआ, यू हैव टू शो कि यू का जो इनवर्स आ रहा है वो माइनस यू होगा, ये है इसका मतलब एक तरीके से। इसे मैं कैसे लेके शो करूंगा, क्योंकि मैंने पीछे ए बी पार्ट कर लिया है। आई विल टेक माइनस वन यू प्लस यू, ये सम लो। फिर अगर आपको ये शो करना है, अगर आप x प्लस वाई इक्वल टू शो कर दे तो क्या आता है, x इक्वल टू माइनस वाई, ये तो होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इस दो का सम जीरो शो कर दूं तो क्या जाएगा, माइनस वन इक्वल यू इक्वल टू माइनस यू। तो ये सम लेके चलते हैं क्योंकि मेरे पास वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज हैं, है ना। अब अगर ये वेक्टर स्पेस है, क्या कैन आई राइट दिस माइनस वन यू इज इक्वल टू वन डॉट यू प्लस, ये लिख सकता हूं मैं। वेक्टर स्पेस की लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी, वन डॉट यू इज इक्वल टू यू फॉर ऑल यू इन बी, बाय दिस प्रॉपर्टी यू कैन बी रिटन एज वन डॉट यू। अब ये क्या है आपका, अल्फा यू प्लस बीटा यू इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा यू, तो अल्फा प्लस बीटा यू है ना बाय दिस प्रॉपर्टी। और माइनस वन प्लस वन इज हाउ मच, क्योंकि ये तो आपके रियल नंबर्स हैं तो इनका सम क्या हो गया, जीरो, जीरो डॉट यू। और जीरो डॉट यू भी हमने ऊपर शो किया था, हाउ मच इट इज जीरो। सो यू गॉट माइनस वन यू प्लस यू इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस वन यू इज इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट इधर लगा हुआ, इधर लगा दो माइनस यू, ठीक है। ये बेसिक से कुछ रिजल्ट से जो हमने शो करे, बताइए समझ में आया नहीं आया। यस सर आ गया, ठीक है। ये सबसे आसान थ्योरम थी जो अभी हमने करी है, अभी और अच्छी थ्योरम्स आगे आनी है। प्रॉब्लम सेट 3.1, यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, सिंपल प्रॉब्लम है आपको शो का एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और हाँ स्केलर मल्टीप्लीकेशन कुछ करके दिखाने, या आप अपने आप कर सकते हैं। जैसे एक मैं कर दे रहा हूँ, एक u1 वेक्टर दिया हुआ है, u1 इज 1 3 2 7 सपोज, एंड u2 इज 0 2 माइनस 3 5, ये किसके एलिमेंट होंगे बता सकते हो, कितने कितने एलिमेंट का टपल से ये R4 के या V4 कह सकता हूँ। तो यहाँ पर ये हमें दिख रहा है साफ साफ ये V4 के टपल एलिमेंट्स है, क्योंकि 4 टपल्स है, V2 में नहीं जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आपसे कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे ए पूछा है व्हाट इज U1 प्लस U2, बी इज व्हाट इज 2U, तो U1 प्लस U2 कितना होगा बताओ, क्या बताया था मैंने, कंपोनेंट वाइज एडिशन, व्हाट इज U1 प्लस U2, 1, 1, 5, -1, 12, है ना। ये तो ऐसे इसके कुछ बी सी पार्ट है, आप अपने आप कीजिएगा, इसे मैं छोड़ा। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, थर्ड प्रॉब्लम इज लिटिल बिट डिफरेंट। लेट आर के ऊपर प्लस लगाया है, बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। R प्लस क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो अगर R प्लस को मैं इंटरवल में लिखूं तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव रियल नंबर्स में जीरो आता है क्या, नहीं, जीरो क्या है, नॉन नेगेटिव में तो आएगा, लेकिन जीरो पॉजिटिव नंबर बड़े स्टार्ट होते हैं ग्रेटर, तो जीरो से ये तो हुआ है ना, ये सर, सारे पॉजिटिव नंबर्स। ध्यान रखो नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में यही फर्क है, नॉन नेगेटिव में जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा और पॉजिटिव में जीरो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव की डेफिनेशन है ग्रेटर देन जीरो, ओके। चलो तो आर प्लस आपको गिवन एक सेट है, ये डिफाइन डिफाइन द ऑपरेशंस ऑफ
एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन एज फॉलोस, इसमें उन्होंने ऑपरेशन दो डिफाइन किए, वो ऐसे डिफाइन किए हैं कि u प्लस वी इज इक्वल टू तो है u डॉट v फॉर ऑल u v बिलोंग्स टू r प्लस, मतलब वेक्टर एडिशन इज व्हाट, वेक्टर एडिशन इज इनफैक्ट अ प्रोडक्ट, एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो होता है अल्फा u दिस इक्वल टू u टू द पावर अल्फा फॉर ऑल u बिलोंग्स टू r प्लस एंड अल्फा बिलोंग्स टू सम रियल नंबर्स आर। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ऑपरेशन देखो चेंज कर दिया, u प्लस वी का मतलब एडिशन नहीं है, क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, और अल्फा u का मतलब है u टू द पावर अल्फा, तो आपको शो करना है प्रूफ डेट दिस r प्लस इज अ रियल वेक्टर स्पेस। ये तो क्या करना होगा हमें इस प्रॉब्लम में, ये बताइए व्हाट वी हैव टू डू हियर, बताओ जल्दी से। क्या करना होगा भाई, आई हैव टू शो दैट आर प्लस सेटिस्फाइज क्या, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करना होगा। नहीं, वो तो डिफाइन है इसमें ऑलरेडी, तो डिफाइन कर दे रहे हैं, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो इन्होंने डिफाइन किया है क्या ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है या नहीं वेक्टर स्पेस की, है ना, क्योंकि इन्होंने डिफाइन कर दिया ऑलरेडी। अब हमें देखना है कि अंडर दिस डिफाइंड ऑपरेशन वेदर इट इज सेटिस्फाइंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस और नॉट। ओके, ये चेक करना है, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। बस ये चेक करना, तो पहले थिंग तो मैं देखूंगा कि वेदर इट हैज क्लोजर प्रॉपर्टी और नॉट। क्लोजर का मतलब क्या हुआ कि u प्लस b शुड बिलोंग्स टू r प्लस एंड अल्फा u शुड बिलोंग्स टू r प्लस, है ना, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। चलो, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आएगा शो दैट समथिंग इज वेक्टर स्पेस, हाँ ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ऑपरेशन दे सकते हैं, आपको बस ये चेक करना होगा वो ऑपरेशन क्लोजर है या नहीं, और अगर क्लोजर है तो वेदर इट इज फॉर्मिंग एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और इफ यस देन व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज, अगर होल्ड हो रही है तो वेक्टर स्पेस है, नहीं हो रही है तो नहीं है, तो इसको प्रूव करते हैं। तो क्लोजर की अगर बात करें तो इट इज डिफाइंड दैट u प्लस v इज इक्वल टू है u डॉट v। अब ये बताओ कि जब u v आपके दो पॉजिटिव वेक्टर्स हैं, अभी r प्लस का मतलब क्या हुआ, रियल नंबर्स ही हुए यहाँ पे तो, ये है ना रियल नंबर्स हैं यानी कि पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव रियल नंबर्स इज अगेन पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव होगा, अंडरस्टूड है, तो दिस ऑलवेज बिलोंग्स टू r प्लस रीजन सिंस प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव रियल नंबर्स इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसका मतलब क्लोजर तो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, है ना। क्लोजर का मतलब क्या होता है कि अगर आप दो एलिमेंट लें, ये मान लो r प्लस है आपका, तो अगर मैं u प्लस v लूं तो ये u प्लस v कहाँ आना चाहिए, अगर u v आपके r प्लस में है तो ये भी यहीं आना, तो यहीं आएगा, क्लोजर है। सेकंड की बात करते हैं आपकी स्केलर, स्केलर आपका डिफाइंड है क्या था, एक मिनट, अल्फा डॉट u, अब अल्फा डॉट u इज इक्वल टू है u टू द पावर अल्फा, यहाँ u तो आपके पास आ रहा है r प्लस से, u तो यहाँ से आ रहा है और अल्फा आ रहा है r से, तो ये बताओ u की पावर अल्फा, u भी पॉजिटिव है और अल्फा कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, ये व्हाट अबाउट दिस, ये क्या आएगा, पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव होगा क्यों भाई? Yes. भाई मान लो u को मैं 2 ले लूं, तो अगर मैं 2 की पावर 0 लूंगा तो 1 है, 2 की पावर अगर मैंने 2 लिया तो 4 है, और 2 की पावर -2 लिया तो क्या है, 1/4 है,
तो ऑल द केस में इट इज पॉजिटिव, यही तो अल्फा हो सकता positive. है। इसका अलग क्या हुआ कि दिस इज ऑल्सो, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू आर प्लस एस यू अल्फा इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, है ना। आपने चेक कर लिया कि अल्फा आपका पास या तो जीरो आ सकता है या कोई इंटीजर आ सकता है या नेगेटिव में आ सकता है या फ्रैक्शन में भी अगर आ जाए 2 की पावर माइनस 1 बाई 2 आ जाए क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 2 अगेन पॉजिटिव, है ना। सो इसका मतलब क्या हुआ यू अल्फा इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव, तो दैट मीन्स कि दिस ऑपरेशन इज क्लोज ऑपरेशन, है ना। क्लोज मतलब कि दिस इज बिलोंगिंग टू आर प्लस, ये फर्स्ट थिंग हमने चेक कर लिया। अगर ये यहाँ पे आर प्लस में नहीं आता तो हम यहाँ लिख देते हैं कि इट इज नॉट वेक्टर स्पेस। अगर आपको याद हो जब मैंने जेड ओवर आर किया था तो वहां पे हमने ये चेक किया था कि अल्फा डॉट यू डज नॉट बिलोंग टू जेड, है ना, यहीं से हमने डिस्कार्ड कर दिया था, लेकिन यहाँ पर आपके पास आ रहा है। तो इसके अलावा नाउ आई विल हैव टू चेक वेदर इट इज एसोसिएटिव और नॉट, मतलब वेदर इट्स फॉर्मिंग अ ग्रुप और नॉट। तो ये तो आपके पास फर्स्ट थिंग हो गई, ये दोनों चीज। अब मैं चेक करूंगा कि वेदर आर प्लस विद रेस्पेक्ट टू दीज टू ऑपरेशन, तो यहाँ पर एडिशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप है कि नहीं है वो आप चेक कर सकते हैं, आ जाएगा आराम से। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप चेक करेंगे क्या U प्लस वी प्लस डब्ल्यू। अब देखो U प्लस वी इज हाउ मच, ये इसके इक्वल आना चाहिए, तो पहले ये ले लो, ये कितना U प्लस वी U V प्लस W। अब U V प्लस W कितना है बताओ जल्दी से, U V W, अरे ये तो जाएगा U V इज अगेन सम एलिमेंट, अब यही राइट हैंड साइड में, अब राइट हैंड साइड ले लीजिए जरा, दिस इज U प्लस V W एंड U प्लस V W इज हाउ मच U V W, वही है ना। और ये आपके पास बिकॉज दे आर रियल नंबर्स दे ऑलवेज सेटिस्फाई एसोसिएटिविटी, तो दोनों आपस में क्या आ गया इक्वल आ गया। आइडेंटिटी की बात करते हैं इसकी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बताओ, आई वांट आइडेंटिटी, लेट ई बी द आइडेंटिटी, अगर आई ई आइडेंटिटी है लेट मत करो, ये मान लो इफ E be the identity, तो क्या होना चाहिए U plus E should equal to E plus U should equal to U, है ना, बताइए। Yes sir. अब U plus E is how much under this operator? UE. UE, है ना, UE is equal to EU is equal to U. तो यानी कि हमने एक ये ले लिया, सो यू हैव यू ई इज इक्वल टू यू। चलिए नाउ इफ यू ई इज इक्वल टू यू तो व्हाट अबाउट, मुझे ई फाइंड करना, ध्यान रखना ई। अब हम क्या करें, आई एम मल्टीप्लाइंग बाई यू इनवर्स, देखो यहां पर हमारे पास ये यू कहां से आ रहा है, आर प्लस से, U is coming from R plus, और हमें मालूम है कि set of positive real numbers ये आपका क्या है, ये group है with respect to addition, है ना। तो अगर कोई भी element belong करेगा तो इसका inverse भी इसमें belong करेगा, inverse का मतलब multiplicative inverse होगा नहीं होगा, तो U अगर यहाँ belong कर रहा है तो I can multiplying by U inverse both sides, so what will happen, so you will be getting u inverse u, so ye to 1 ho jayega, 1 dot e is equal to 1, so e kitna aa jayega 1 aa gaya, to iska matlab kya hua ki is group ki multiplicative identity kya hai 1 hai, hai na, yes sir, so yes, sir. So it means that multiplicative identity is 1. ये आप कर सकते हैं ना यहाँ पर, क्योंकि ये U था आपके पास, अगर यहाँ पर आप इसे
यू इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई किया अगर, तो यू इनवर्स आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर इसे शो करना है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन इज एन एबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो नंबर्स तो रियल हैं इस पे, तो इसकी आइडेंटिटी वन आ गई आपके पास, ठीक है। तो आइडेंटिटी वन क्यों आई वो हमें मालूम ही था कि एक्चुअली यहाँ पे एडिशन जो है वो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक। क्लास अगर एंड हो गई तो भाई इसे मैं कल कंटिन्यू करूँगा प्रॉब्लम को, मतलब नेक्स्ट क्लास में। नाउ नेक्स्ट इज इनवर्स, नेक्स्ट इनवर्स नाउ